Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Dear students, today you will learn about the chapter number 6, that is simple chemical reaction. What is simple chemical reaction and how the reactions take place in the in these things. So look at these pictures. There are some simple chemical reactions. So look at this fire. This is a can crashed. This is a food chopped. This is a toast. This is a food cooked. And this is a ice melt. So these all are the changes. Okay. So you have to tell me that from in these pictures, which change is simple physical change and which change is chemical change. So let's just I will tell you about the what is physical change and what is chemical change. So basically the change, any chemical reaction की कोई भी जो change होती है उसको two changes में जो है वो क्या किया गया है, divide किया गया है. एक है physical, दूसरी है chemical. ठीक है, physical change में क्या होता है कि जो है ये मतलब डिफरेंस पहले हम इसमें पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि ये आखिर दोनों चेंजेस है क्या. अब देखिए कि कैन क्रश्ड हो रहा है, ठीक है, पर ये कैन ई है. दोबारा हम इसको इसकी शक्ल में ला सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है जैसे हम बात करते हैं कि किसी शेप की चेंज हो जाए, जैसे कि आइस मेल्ट हो जाए तो दोबारा वो आइस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ वाटर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड. पर कुछ हमारे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. ठीक है, केमिकल चेंजेस कब होती है, जब मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और वो दोबारा एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. तो क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है, जैसे कि हीट करते हैं हम आयरन को, सल्फर को. ठीक है, आयरन को तो हमारे पास क्या चेंजेस जो है वो बनती हैं. ठीक है, तो ये अब स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं बता रही हैं कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में और कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में. अब आप देखिए कि इसमें फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. ठीक है, जैसे कि ये कैन है वही कैन का कैन रहेगा. तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास फिजिकल चेंज का. एनर्जी इसमें से हमेशा गिवन आउट हो जाती है, ठीक है, और ये रिवर्स होता है. केमिकल चेंज में क्या होता है कि वन आर मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म. जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि फूड हमने क्या किया है, चॉप्ड किया है, ठीक है, तो इसमें से चेंज चीज़ बन जाती है. इसको दोबारा हम उस कंडीशन में नहीं ला सकते. डिफ़िकल्ट होता है बहुत ही कि हम इसको क्या कर सकें, रिवर्स कर सकें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिंपल केमिकल रिएक्शन, दैट वाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड वाट इज़ फिजिकल रिएक्शन एंड वाट इज़ द फिजिकल चेंज एंड वाट इज़ केमिकल चेंज. So food is chopped, also example of a chemical reaction. Toast ball is also a chemical reaction. So dear students, now your homework is you have to solve exercise number 1 from book page number 73. Thank you and Allah Hafiz.